और अब बात दिल्ली हिंसा की। दिल्ली में आईबी कर्मचारी अंकेश शर्मा की मौत को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि दंगाइयों ने अंकेश शर्मा के साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी। उनके शरीर पर मिले 51 निशान चीख चीख कर उनके साथ हुई क्रूरता की गवाही दे रहे हैं। आईबी के जांबाज कर्मचारी अंकेश शर्मा की मौत से जुड़ा खुलासा हैरान करने वाला है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकेश शर्मा की मौत की वजह फेफड़ों और सिर पर लगी गहरी चोटें हैं, जबकि उनकी जांग, पैर और सीने सहित शरीर के पिछले हिस्से पर कई बार वार किए गए। आईबी कर्मचारी अंकेश शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस सलमान समेत अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी चांदबाग और मुस्तफाबाद इलाके के हैं। पुलिस का कहना है कि अंकित की हत्या में 10 से 12 लोग शामिल थे और इन सभी बाकी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। जल्द ही अंकित के बाकी हत्यारे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन से भी दिल्ली पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी जख्म गहरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अंकित शर्मा के साथ बेरहमी की हदें पार कर दी गई और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के एक दो नहीं बल्कि 51 निशान थे। 51 में से 12 चाकू से गोदे जाने के निशान थे जो काफी गहरे थे। चाकू के वार से ही अंकित के फेफड़ों और सिर पर गहरी चोटें आईं, जबकि जांघ, पैर और छाती सहित शरीर के पिछले हिस्से पर चाकू के निशान मिले। इसके अलावा अंकित की बॉडी पर 6 निशान कटके थे, जबकि काफी स्क्रैच भी थे। अंकित के शरीर पर बाकी 33 निशान चोट के थे जो लाठी डंडे या रॉड से मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर ज्यादातर रेड, पर्पल और ब्लू कलर के मार्क मिले। इनमें से ज्यादातर थाई और कंधे पर थे। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।